Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to our favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो यार आप सबकी काफी डिमांड पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट है और इसके पहले की जितनी भी चैप्टर्स हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है यार तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके देख सकते हो. अगर आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाके चैप्टर का नेम / एजुकेशनल हाइक्स करके सर्च कर सकते हो. हमारी वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी. अगर आप नए विजिटर हो यार तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो यार रेड बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है पहले ये जान लो. अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स, मेल एनिमल और फीमेल एनिमल मिलके एक बेबी पैदा कर देते हैं जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. देखो दो वर्ड से मिलके बना है ना, रिप्रोडक्शन मतलब एक नया इंडिविजुअल का जन्म होना, एक नई चीज का जन्म होना. ठीक है, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे एनिमल्स अपनी बेबी पैदा करते हैं ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस अपने बेबी पैदा करते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन है कुछ शुरुआत में. डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रिस्पिरेशन? क्या आपको जो पाचन क्रिया है, जो हम जो खाना को डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, हम सांस लेते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को आपने पढ़ा है, विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. अब ये जो तीन चीजें हैं ना, खाना को पचाना, ब्लड को सर्कुलेट करना और सांस लेना, ये तीन बहुत जरूरी क्रियाएं हैं किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए ये तीन चीज तो करना ही पड़ेगा. यू हैव ऑल्सो लर्न्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तुमने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा और तुमने उस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे पौधे अपने बेबी पैदा करते हैं, कैसे पौधे नए पौधे कैसे पैदा करते हैं. समझ में आया? आगे, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. अब आप पूछेंगे कि सर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्यों बच्चे पैदा करना जरूरी है? बच्चे पैदा करना या रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जो एक इंसान की प्रजाति हो या जानवरों की प्रजाति हो वो आगे तक चलती रहे, उनका वंश जो है वो बढ़ता रहे, इसी के लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं. समझ में आया? इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्यूज्ड. सोचो अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे इंसान हो गया, एनिमल हो गया, अगर वो बच्चे पैदा ना करे तब क्या होगा? सोचो, ठीक है, तब क्या होगा? यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब यहां पर आपको महसूस होगा कि जो रिप्रोडक्शन है, बच्चे पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे पैदा करने की वजह से ही हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है हमारा, आगे कैसे बढ़ेगा? जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तभी तो आगे जनरेशन बढ़ेगा ना, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. अब देखो, अगर इंसान बच्चे पैदा ना करे तो क्या होगा? कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा कि धरती पे दोबारा कोई इंसान ही देखने को नहीं मिलेगा. अब एनिमल्स अगर रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा? कुछ समय बाद इस धरती पे कोई एनिमल्स नहीं बचेगा. जब भाई नए बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कहां से एनिमल्स बचेंगे इस धरती पर, कहां से ये इंसान बचेंगे इस धरती पर? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तुमने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पौधे कैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं या पौधे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स
ह्यूमंस भी और एनिमल्स, ये दोनों अपने बच्चे पैदा कैसे करते हैं या ये दोनों रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यही हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एक जानवर या एक इंसान रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से कर सकता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आया, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्या तुम अलग अलग जानवरों के बच्चों को देखा है तुमने, क्या तुमने बिल्ली के बच्चों को देखा है, क्या कुत्ते के बच्चों को देखा है? ऑब्वियस सी बात है यार, सबने देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1। अब यहां पर ये जो टेबल दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिस वन टेबल, ये कंप्लीट करना है। जैसे देखो हम कंप्लीट कर देते हैं इस टेबल को। अब देखो ह्यूमन के यंग वंस को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। कैट बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। डॉग कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। बटरफ्लाई बटरफ्लाई के बच्चे को क्या कहते हैं, या बटरफ्लाई के यंग वन को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। हैन मुर्गी के बच्चे को चिकन कहते हैं या चिक कहते हैं। काऊ काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ बछड़ा, ठीक है। फ्रॉग मेढक मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। तो ये चीजें आप याद कर लेना कि एनिमल्स जैसे ह्यूमन कैट डॉग, हाँ याद रखना भाई ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है, क्योंकि हम क्या थे, हम पहले लंगूर थे ना, अब तो हम इंसान बन गए ना, धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम डेवलप हुए, तब जाके हम क्या बन गए, एक इंसान बन गए, लेकिन हम आज भी एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया एनिमल और ये हो गए इनके बच्चों के नाम। अब आगे पढ़ते हैं। You must have seen the young ones of various animals being born. तुमने अलग अलग जानवरों के बच्चों को देखा होगा जब वो पैदा हो रहे होते हैं। Can you tell how chicks and caterpillar are born? क्या तुम बता सकते हो कि जो मुर्गी का बच्चा है या जो बटरफ्लाई की जो यंग वंस होते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर्स कहते हैं, ये चिक्स और ये कैटरपिलर्स पैदा कैसे होते हैं, क्या आपको पता है? जी हाँ पता है कैसे, ये पूरा प्रोसेस होता है कुछ दिनों का। जैसे कैटरपिलर एक बटरफ्लाई, एक एडल्ट बटरफ्लाई 21 दिनों में बनती है। पहले थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर टैडपोल बनता है, फिर जाके वो क्या बनता है, ठीक है, आगे फिर फ्रॉग बनता है। तो फ्रॉग और बटरफ्लाई और हेन, इन सबके जो यंग वंस है ना, वो क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद एक पूरा यंग इंडिविजुअल बनते हैं। तो हम इस तरीके के बारे में आगे इस पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पहले कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न, जो ये बिल्लियों के बच्चे होते हैं और जो कुत्तों के बच्चे होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ये कैसे पैदा होते हैं भाई, जैसे वो छोटे होते हैं, जैसे एक बड़ा डॉग हो गया, एक बड़ी कैट हो गई, तो वो एक छोटे कैट या छोटे डॉग को जन्म देती है, ठीक है। डू यू think that these young ones looked the same before they were born as they do now? अब यहाँ पर कहा गया है कि क्या आपका ये सोचना है कि ये जो chicks हैं, ये जो caterpillars हैं, ये जो puppies हैं और kittens हैं, क्या वो पैदा होने के पहले भी ऐसी ही दिखती थी जैसे वो आज दिखते हैं? Before they were born as they do now, let us find out. चलो हम यही पता करेंगे कि जो different animals हैं, उनके बच्चे पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये टेबल तो हमने भर ही दिया है, ये वाला देखते हैं। जस्ट इन प्लांट्स, जैसे कि पौधों में होता है, वैसे ही एनिमल्स भी दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी दो तरीके से बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जैमेट मिक्स होके जाइगोट बनाता है। अब अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहें तो मेल और फीमेल बनते हैं, सॉरी मिलते हैं, तब जाके एक नया बेबी पैदा होता है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल वन पेरेंट की जरूरत होती है, चाहे वो मदर पेरेंट्स की जरूरत होती है बच्चे पैदा करने के लिए, मतलब उसमें दो लोगों की जरूरत नहीं होती, उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे बहुत
अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमारा अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इस पॉइंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। अब आप याद करो कि कैसे प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता था, जो तुमने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को याद करो कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता था। कैसे होता था भाई प्लांट्स में रिप्रोडक्शन? क्या होता था कि दो पौधे हैं, अब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना कि ये पौधा जाएगा उससे मिलने, दोनों मिलेंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना भाई। ये क्या करते हैं प्लांट्स, क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है 9.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब क्या है कि हमने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसे याद करने की कोशिश करो कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब क्या है, जिसमें दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चे पैदा करने के लिए, केवल एक प्लांट से ही या एक एनिमल से ही काम चल जाता है और दूसरा बच्चा पैदा हो जाए, उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तुम याद करोगे कि ऐसे पौधे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब कौन कौन से पौधे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हर वो पौधे याद रखना बहुत जरूरी है, ब्रायोफाइट्स उन्हें हम कहते हैं। देखो वो सारे पौधे जिनमें फ्लावर्स लगते हैं और जिनके अंदर कांटे होते हैं, जैसे रोजेज हो गया, जैसे गुलाब का फूल हो गया भाई। अब देखो गुलाब जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो या तुम अपनी वाइफ को देते हो, तो गुलाब जो है ना, गुलाब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स भी होते हैं और इसके अंदर कांटे भी होते हैं। तो हर वो पौधे जिनमें फ्लावर्स लगे होते हैं और इनके अंदर फर्न्स काटे होते हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? देखो यहां पे क्या क्या लिखा है, लिखा है कि प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऐसे पौधे जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा करते हैं, उनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की वजह से ही बच्चे पैदा होते हैं। चलो कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या आप प्लांट्स के मेल और प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट का नाम बता सकते हो? तो चलो मैं आपको बताता हूं। प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टैमेन और प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट का नाम है पिस्टिल। याद रहेगा इसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल। समझ में आया? कैन यू नेम दीज पार्ट्स, हमने बता दिया आपको। इन एनिमल्स ऑल्सो, और सेम इसी तरीके से जानवरों में भी मेल और फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। इन पौधों की तरह ना जानवरों में भी, जानवर चाहे वो मेल जानवर हो, चाहे वो ऐसे कह सकते हो नर हो, चाहे वो मादा हो, दोनों में, नर मादा मतलब समझ रहे हो ना, लड़का लड़की, चाहे वो लड़के का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे वो लड़की का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, लेकिन होता जरूर है, तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं और एक नया बच्चा पैदा करते हैं। लाइक प्लांट्स, पौधों की तरह द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, कहा गया है कि पौधों की तरह एनिमल्स, चाहे वो मेल एनिमल हो चाहे वो फीमेल एनिमल हो, दोनों अपना अपना गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स एक केमिकल होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उन्हें गैमेट्स प्रोड्यूस करना होगा। अब ये गैमेट
सब्जेक्ट्स ना मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एक नया केमिकल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इट इज द जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चलकर एक नया बेबी, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। समझ में आया? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिक्स होते हो, फ्यूज होते हो, उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्स होके जाइगोट बना दें, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। चलिए, अब हमने एनिमल्स के बारे में तो पता कर लिया कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पता करेंगे कि ये जो ह्यूमंस हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, ये कैसे होते हैं दिखने में। आप देख पा रहे हो, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कैसे होते हैं देखने में हम ये पढ़ेंगे, और ये मेल और फीमेल ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, आप सिंपल भाषा में कह लो सेक्स कैसे करते हैं जिससे एक नया बेबी पैदा हो जाता है, तो यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। अब यहां पर कहा गया है कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है ये बताया गया है, तो चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहला दो टेस्टिस, दो, वन टू, इसी को कहा गया है पेयर ऑफ टेस्टिस, और एक है स्पर्म डक्ट। देख लो, दो, एक ये है स्पर्म की पाइप। स्पर्म डक्ट क्या मतलब क्या होता है, जो टेस्टिस स्पर्म पैदा करती है वो स्पर्म इस डक्ट, इस पाइप से होते हुए गुजरता है, ये देख रहे हो, और इसी पाइप को हम क्या कहते हैं, हम इस पाइप को कहते हैं स्पर्म डक्ट। तो दो स्पर्म डक्ट, दो टेस्टिस और एक पेनिस पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। अब ये जो टेस्टिस होती है ना, ये एंड ये मेल, जो मैंने बताया था ना कि मेल और फीमेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मिक्स होता है तब जाकर कहीं जाइगोट बनता है, तो जो मेल गैमेट्स है वो यहीं पर प्रोड्यूस होता है, और मेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, हम स्पर्म्स कहते हैं। जो मेल गैमेट्स है उसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और ये प्रोड्यूस कौन करता है, ये यहां पर टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अब ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, वो कई लाखों स्पर्म्स एक साथ प्रोड्यूस करती हैं। लुक एट फिगर 9.2। ये जो फिगर 9.2 आप देख पा रहे हो ना, इसमें आप देखो क्या देखोगे, विच शो द पिक्चर ऑफ स्पर्म। ये पूरी स्पर्म की पिक्चर है कि जो मेल गैमेट्स होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ह्यूमन स्पर्म कहते हैं, वो कैसा दिखने में होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है दिखने में। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, चूंकि ये जो इनकी साइज होती है इन स्पर्म्स की, वो बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी हर एक स्पर्म के पास अपना हेड, देख रहे हो, ये अपना हेड, इनका मिडिल पीस, फिर इनका टेल, ये हर स्पर्म में होता ही होता है। याद रखो, जो मेल टेस्टिस होते हैं ना, ये मेल टेस्टिस, ये क्या पैदा करते हैं, ये स्पर्म्स पैदा करते हैं, और ये स्पर्म्स यहां पर दिखाया गया है। स्पर्म्स के तीन हिस्से होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। इनका क्या क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूं। ये जो हेड होता है ना, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मिडिल पीस क्या करता है, ये इस स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। और टेल का क्या काम है, जैसे ये देख रहे हो आप, एक स्नैक की तरह है, जैसे स्नैक का जो पूंछ होता है, जो स्नैक की टेल होती है, वो स्नैक को मूवमेंट में मदद करती है ना, वैसे ही जो स्पर्म की टेल होती है वो किस चीज में मदद करती है, वो स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाने में मदद करती है। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ लिखा गया है
कि Does it appear to be a single cell? अब हमने ये तो जान लिया कि ये जो sperms होते हैं वो बहुत small होते हैं size में, और हर sperms के पास अपना head, middle piece और अपना tail होता है, इतना तो हमने जान लिया। अब आगे क्या जानना है? Does it appear to be a single cell? क्या ये जो sperm है ये केवल एक single cell है? चलो ये जानेंगे हम। Indeed, each sperm cell, sperm is a single cell। वास्तव में जो हर sperm होता है ना वो एक single cell होता है, और इन sperms के अंदर cell के सारे components होते हैं। Cell के कितने components होते हैं? Cell के अंदर जो nucleus होता है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, cell के अंदर जो cytoplasm होता है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, cell membrane हो गया, nucleus membrane हो गया, ये सारी चीजें आपको स्पर्म के अंदर मिल जाएगी। मतलब जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल का काम करता है। समझ में आया? अब यहां पर पहली कुछ पूछ रही है, पहली पूछ रही है कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। स्पर्म का जो टेल है वो क्या काम करता है? मैंने आपको पहले ही बताया है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मूव करने में ये जो टेल है वो मदद करती है। चलो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है दिखने में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें और इनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इनमें क्या होता है, दो ओवरीज होते हैं। ये देख रहे हो ओवरी, ये है, दिस इज ओवरी। देखो एक ओवरी यहां पर है और एक ओवरी यहां पर है, तो पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स होता है, ओविडक्ट मतलब ये जो ओवरीज फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं उनको ले जाने वाली जो पाइप है, ये पाइप दिख रही है आपको, इसी को कहते हैं ओविडक्ट। तो दोनों तरफ मतलब पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। याद रखना, जो फीमेल में ओविडक्ट्स होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओविडक्ट्स होते हैं उन्हें हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और आखिरी हिस्सा यूटेरस, ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप, दिस वन, इसी को हम क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। सॉरी, ये जो मिडिल वाला हिस्सा देख पा रहे हो ना आप, ये यही यूटेरस होता है, फीमेल यूटेरस, ठीक है। यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में बेबीज डेवलप होती हैं। अब आगे देखो क्या लिखा गया है, द ओवरी, जो ये ओवरीज होती है ना वो प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जैसे मेल गैमेट्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, मैंने कहां बताया था, टेस्टिस में, वैसे ही फीमेल गैमेट्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज में। मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का नाम होता है स्पर्म्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का नाम होता है ओवा, जिसे हम एक्स भी कहते हैं। समझ में आया? इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग, इंसानों के अंदर जो एक एक पूरा, जो एक मैच्योर्ड एग होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक जो मैच्योर्ड एग होता है ना, वो हर महीने रिलीज होता है ओविडक्ट्स में, ठीक है। ये जो ओवा को कैरी करने वाली पाइप है ओविडक्ट, ओविडक्ट में हर महीने एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है, ठीक है। और यही आगे चलकर क्या बनती है, एक फर्टिलाइजेशन करती है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद बेबी पैदा करती है। चलो आगे देखते हैं, यूटेरस इज अ पार्ट वे डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये जो यूटेरस वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप, ये बीच वाला, ये वही हिस्सा होता है जहां पर बेबीज डेवलप करती हैं, जहां पर बेबीज 9 महीने तक क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, उनके आंख, उनके कान, उनके नाक, ये सारी चीजें 9 महीने तक इसी यूटेरस में ही डेवलप होती हैं। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। स्पर्म के जैसे जो एग्स होते हैं ना वो भी एक सिंगल सेल होते हैं। जैसे स्पर्म, जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो भी एक सिंगल सेल होता है, और वैसे ही जो फीमेल गैमेट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एग या ओवा, वो भी एक सिंगल सेल है। अब आप देख पा रहे हो, जो फीमेल ओवम होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, बीच में न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सेल की तरह है। समझ में आया? नाउ अब यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है, बूझो क्या पूछ रहा है, बूझो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ, बूझो को याद आता है कि एनिमल्स के अंदर जो
x होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या कहा गया है, द एग मे बी वेरी स्मॉल इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के अंदर, जो फीमेल के अंदर, जो आप ऐसे कह सकते हो जो एक स्त्री, एक औरत के अंदर जो x होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वहीं मुर्गी का अंडा देख लें तो वो बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा देख लें वो और बड़ा होता है। तो बूझो ये कह रहा है कि इसने देखा है कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एक्स की साइज पाई जाती है। तो आई थिंक आपको ये तीन पेजेस जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर लॉन्ग है, थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मुझे इसे फोर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए यार तो हमारे नेक्स्ट पार्ट का जरूर इंतजार करें। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे मेल और फीमेल सेक्स करके एक नई बेबी पैदा करती हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।